इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, कुशन कवर, पिलो कवर, डोरमेट, फ्लोरमेट, बेबी बेडशीट, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज आप लोग को हम बेडशीट डिजाइन, कुशन कवर, पिलो कवर, डोरमेट, फ्लोरमेट कुछ भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। तो इसके लिए हमने ये तीन कलर का कपड़ा लिया, हमने रेड लिया है, ग्रीन लिया है, वाइट लिया है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए इसका मेजरमेंट आप लोग को बता दें। तो ये ग्रीन हमने जो लिया है 3.5 इंच के चौड़ाई है और लंबाई भी 3.5 इंच है, सेम है। तो हमने ये ग्रीन 4 पीसेस लिया है, ये वाइट हमने 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई हमने 8 पीसेस लिया है, रेड हमने लिया है इस तरीके से 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई हमने 4 पीसेस लिया है, वाइट हमने 1 पीसेस लिया है 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई देख सकते हैं, और ये रेड वाला 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई हमने 2 पीसेस लिया है। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा रेड वाला पीसेस इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने कटिंग कर दिया और ये हमारा जो वाइट वाला पीसेस है पूरे पीसेस को हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, तो हमने इसको भी कट कर दिया। अब ये वाला जो हमारा पीसेस है इसको हमें क्या करना है, ये जो रेड वाला पीसेस है इसको फोल्ड करना है और इस तरीके से बीच में इसमें निशान लगा देना है कि इससे हमारा जब हम सिलाई करेंगे तो अच्छी तरीके से परफेक्ट बनकर आएगा जो डिजाइन है। और ये जो हमारा वाइट वाला पीसेस है इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, दो हमने कर लिया और इसकी साइड में हमने इस तरीके से किया है, तो ये हमारा चार पीसेस हो गया। अब इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे इस तरीके से, और इसको भी हम इस तरीके से। तो देख सकते हैं हमारा ये जो डिजाइन है, सॉरी ये हमारा जो पीसेस है, हमने इस तरीके से चारों साइड में इस तरीके से निशान लगा लिया है। तो चलिए आगे आप लोग को बताते हैं क्या करना है। ये जो रेड वाला पीसेस है इस तरीके से हम रखेंगे, ये देख सकते हैं निशान पर हम रखेंगे, और 1/2 इंच की दूरी इधर और 1/2 इंच की दूरी उधर, दोनों साइड रहेगा, और हम इसको अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमने रख लिया है और इसको हम सिलाई करेंगे। जो डिजाइन है बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारे भी बहुत लगता है। तो एक साइड हमने इस तरीके से देख सकते हैं हमने सिलाई कर लिया। तो ये देख सकते हैं हमारा ये जो है डिजाइन इसकी बराबर से आया है, वाइट है, इसको हमने सिलाई किया, देख सकते हैं इसके फिनिशिंग इसका बराबर से आया है। अब इसको देखिए इस तरीके से हमारा आया है। ये क्रेप का कपड़ा हमने लिया है, तो ये थोड़ा सा इसको जब आप प्रेस करेंगे तो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अगर आप कॉटन का कपड़ा यूज करेंगे तो उसमें प्रेस करिए या ना करिए तब भी ये बैठ जाता है अच्छी तरीके से। तो हमें दूसरी साइड इस तरीके से रखना है और इसको भी अच्छी तरीके से बराबर करते हुए देख सकते हैं इसको। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड इस तरीके से सिलाई कर दिया, ये भी हमारा इस तरीके से आया है, देख सकते हैं। अब ये रेड वाला पीसेस तीसरा पीसेस लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे रेड के ऊपर, देख सकते हैं हमने इसको भी सिलाई कर दिया। तो ये तीन साइड हमारा हो गया। अब चौथी साइड इसको भी करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड हम रेड के ऊपर रखेंगे और इसको इस तरीके से और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारा जो है बीच का पीसेस बनकर कंप्लीट हुआ है। अब ये वाला लेंगे रेड वाला पीसेस और व्हाइट वाला पीसेस लेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम सिलाई करेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से रखा है, अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं एक साइड हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया। अब इसको इस तरीके से करेंगे तो ये भी हमारा, ये देख सकते हैं इसका फिनिशिंग इस तरीके से आया है। अब दूसरी साइड हम ये वाला पीसेस लेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से बराबर। तो ये देख सकते हैं हमने दूसरी साइड भी किया है और इसका भी हमारा अच्छी तरीके से बराबर से आया है, देख सकते हैं। इसको भी साइड में करेंगे।
अब ये पहला हमने पीसेस बता दिया और ये दूसरा भी आप लोग को बता दें कि आप लोग के अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए हम आप लोग को इस तरीके से समझा रहे हैं। तो दूसरा पीसेस इस तरीके से रखेंगे, निशान पर हमने रखा और यहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया, ये देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर हम दूसरा पीसेस रखेंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से बराबर करते हुए ये देखिए सिलाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने इसको भी इस तरीके से सिलाई कर लिया। अब इसको साइड में करेंगे। अब ये जो हमारा ग्रीन वाला पीसेस है इसको लेंगे इस तरीके से और हम इसको यहाँ से रखेंगे, देख सकते हैं आधा इंच की दूरी इधर और आधा इंच की दूरी इधर, और बीच में हम इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो हमने सिलाई कर दिया। तो ये देखिए हमारा ये भी इस तरीके से बराबर से आया है, थोड़ा सा जब एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे नीचे का तो वो सही हो जाएगा। तो दूसरी साइड हम इसको इस तरीके से रखेंगे, देख सकते हैं ये, और इसको भी हम सिलाई कर देंगे। अब ये वाला पीसेस लेंगे, इसको भी आप लोग को समझा दे रहे हैं किस तरीके से करना है कि आपको अगर एक समझ में ना आए तो दूसरा आप लोग समझ दूसरे में आप लोग देख लीजिए और समझ में आ जाए। अगर आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में ना आ रहा होगा तो देखकर भी समझ सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर रखा है और आधा इंच की दूरी इधर और उधर दोनों छोड़ दिया है, फिर हम सिलाई करेंगे। तो इसमें हमने दोनों साइड कर दिया, इसमें हमने एक साइड किया है, अब दूसरा साइड भी करेंगे इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये बनकर आया है, देख सकते हैं बराबर से आया है ये भी और ये। तो हमने आप लोग को इस तरीके से दो ये ग्रीन वाइट दिखाया है और दो हमने ये ग्रीन सॉरी रेड और वाइट दिखाया है, एक हमने बीच का दिखाया है। तो पहले एक्स्ट्रा को कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं नीचे के साइड हमने कटिंग कर दिया। अब ये वाला पीसेस लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमने दो आप लोगों को बनाकर दिखाया और दो हमने पहले से बनाकर रखा था। तो देख सकते हैं चार पीसेस हमारा इस तरीके से आया है और ये ग्रीन और वाइट वाला चार पीसेस आया है और एक पीसेस हमारा इस तरीके से है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये रेड वाला पीसेस लेंगे और ये रेड की साइड ही रखेंगे और अच्छी तरीके से मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से ये हम इस अच्छी तरीके से मिलाएंगे कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे, तभी हमारा जो डिजाइन बनेगा अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट होगा। तो एक साइड हमने ये सिलाई कर दिया, अब दूसरी साइड भी हम रखेंगे ये रेड ही वाला पीसेस और इसको भी अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं हमने एक पट्टी को तैयार कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये ग्रीन वाला पीसेस लेंगे और वाइट वाला पीसेस, रेड और वाइट दोनों को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से और अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। तो एक साइड हमने कर दिया और इस तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये ग्रीन वाला है वाइट वो दोनों साइड में रहेगा, रेड जो हमारा है बीच में रहेगा। तो ये देख सकते हैं हमारा दूसरा पट्टी भी बनकर तैयार हो गया, इसको भी साइड में करेंगे। अब ये दोबारा हम लेंगे ये ग्रीन और वाइट, रेड और वाइट,
दोनों को आपस में मिलाएंगे और अच्छी तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने सिलाई कर लिया। अब इसको लेंगे इस तरीके से और इसको भी अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा तीसरा पीसेस भी तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। अब इसको हम एक एक कर ज्वाइंट करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और अच्छी तरीके से हम इसमें मिलाएंगे कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे और इसको अच्छी तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा एक पीसेस इस तरीके से बनकर आया है और दूसरा भी कर दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो देख सकते हैं हमारा जो डिजाइन है इस तरीके से बनकर आया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो डिजाइन है बनकर आया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छी तरीके से बराबर कर हम चारों साइड से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो व्हाइट का, देखिए हमारा ग्रीन व्हाइट हमने रेड लिया है, आप कलर अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से लीजिएगा। तो हमने इस तरीके से लिया है तो हम इसमें व्हाइट का पट्टी लगाएंगे। अगर आप चाहे तो आप कोई भी जो कलर लीजिए उसका पट्टी लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। आप इसमें जैसे हमारा तीन कलर का है व्हाइट रेड ग्रीन, तो हम कोई भी पट्टी लगा सकते हैं। दो ढाई इंच चौड़ाई अपने हिसाब से रखिएगा, तीन इंच चार इंच जो भी आप चौड़ाई चाहते हैं अपने हिसाब से रखिएगा, और जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। या आप बेबी बेड सीट, आप सिंगल का बेड सीट, आप पिलो कवर, कुशन कवर, डबल बेड का बेड सीट कुछ भी बना सकते हैं। तो आप इसमें क्या करना है, एक इस तरीके से पीसेस को तैयार कर लीजिए जितना भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से, और एक एक कर ज्वाइन कर दीजिए। जब जितना भी बड़ा आपको चाहिए आपका हो जाए तो आप उसमें चारों साइड से बॉर्डर लगा दीजिए। अगर आप लोग को पूरा कम्प्लीट बेड सीट बनाना नहीं आता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है पूरा फुल वीडियो, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो देख सकते हैं ये हमारा जो डिजाइन है इस तरीके से बनकर आया है। तो ये देखिए हमने इसको प्रेस कर लिया और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं इस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोग को डिजाइन पसंद आया होगा और हमारे बताने का तरीका भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग को डिजाइन पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इस तरीके से आप लोग देख सके नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।